गुड मॉर्निंग, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके ओके सर। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। गुड मॉर्निंग शुभांगी, अश्विनी, ऋतुराज। We'll wait for 1 minute. After that, we will start our class. Okay. If you have any doubt regarding our previous lecture, previous class, tell me. Anyone from you? If you have any doubt regarding our previous lecture, then this tell me beta. आपको अगर प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो बताइए मुझे। कुछ कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन होंगे, तब तक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने अभी तक जो देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेप्स पाई जाती है वो स्टेप्स हमने देखी थी स्टार्टिंग के लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स बताई थी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, कहाँ से होती है स्टार्टिंग, कौन से एपिजेनेटिक। प्रोसेसेस? यस, वेरी गुड। दैट इज अ वन प्रोसेस, दैट इज अ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ द मेल कैंडिडेट, दैट स्टेप इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इन केस ऑफ द फीमेल कैंडिडेट दैट स्टेप इज कॉल्ड द ओजेनेसिस, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टेप आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस? आफ्टर गैमेटोजेनेसिस नेक्स्ट वन स्टेप इज, उसके बाद की स्टेप क्या होती है बेटा? गैमेटोजेनेसिस से फुल स्टेप लास्ट है, फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन असतं का? गैमेटोजेनेसिस च्या नंतर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन येते का? सांगा। उसके आगे एक स्टेप होती है गैमेटो जेनेसिस के बाद में भी एक स्टेप आती है, वो कौन सी होती है, कौन बताएगा मुझे? इनसेमिनेशन यस यस, इनसेमिनेशन इनसेमिनेशन। त्याला इनसेमिनेशन म्हणतात, किंवा आपण त्याला काय कन्सिडर करत असतो, दॅट बी कॉल्ड म्हणजे ॲज अ गॅमेट ट्रान्सफर। गॅमेट ट्रान्सफर। ट्रान्सफर, गैमेट ट्रांसफर कहाँ हो गए? मेल गैमेट जो होते हैं वो फीमेल जेनेटर ट्रैक के अंदर ट्रैवल करते, इस प्रोसेस को हम गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसके आगे की स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट वन बताएगा कोई मुझे? करेक्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वेरी गुड। इसके आगे की स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन। ऐसा पूर्ची स्टेप आते फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट वन स्टेप जो होती है वो क्या होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में? इम्प्लांटेशन। यस करेक्ट, वेरी गुड। इम्प्लांटेशन, करेक्ट है एकदम। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे? व्हाट हैपन इन केस ऑफ इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन में क्या होता है इम्प्लांटेशन के अंदर? ब्लास्टुलाइज यस, इम्प्लांटेड इन द इन अ वॉल ऑफ यूटरस। करेक्ट, ब्लास्टुला इज ओके इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ यूटरस, मींस एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटरस। ब्लास्टुला जो फॉर्म होता है वो ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है यूटरस की, उसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन स्टेप इज अ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या एम्ब्रियोजेनेसिस से बोलने से बोलेंगे हम कि उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी अपन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं।
एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट, एम्ब्रियो डेव्हलप होत असतो त्या ठिकाणी. गेस्टेशन, गेस्टेशन म्हणजे प्रेग्नन्सी. त्या ठिकाणी ही केव्हा होत असतो माहितीये का? गेस्टेशन पिरियड मध्ये. गेस्टेशन पिरियड म्हणजेच काय असतो की या केसला आपण आपल्या लँग्वेज मध्ये काय करत असतो, कन्सिडर करत असतो, उसको प्रेग्नन्सी कन्सिडर करते, त्याला प्रेग्नन्सी म्हणतात. तर या सिच्युएशन मध्ये त्या ठिकाणी एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होत असते. समजा आता ब्लास्टुला झायगोट फॉर्मेशन झालं, झायगोट फॉर्मेशनच्या पुढच्या ज्या स्टेप्स असतात, ब्लास्टुलेशन, क्लिवेज आहे पहिल्यांदा. आता बघा इथे काय काय येत असतात, कोणते कोणते इव्हेंट असतात. या ठिकाणी क्लिवेज येत असतं, इसके अंदर क्लिवेज आता है. झायगोट तो पहला फॉर्म होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे झायगोट का फॉर्मेशन होगा, और झायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद उसके आगे फिर इसके अंदर कुछ स्टेप किए जाते हैं, जैसे कि क्लिवेज होता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन जो होता है वो होता है मोरुलेशन. यस, ब्लास्टुलेशन, मोरुलेशन एक्सेट्रा. हाँ, मोरुलेशन असतं, मोरुलेशनच्या पुढे ब्लास्टुलेशन. हा राईट राईट, क्लिवेजच्या नंतर मोरुलेशन असतं. मग मोरुलेशन आपण स्टेप तेवढंच असं इथं उल्लेख केला काय नाही, तर या ठिकाणी मोरुला फॉर्म होत असतो, त्याला मोरुलेशन म्हणतात. दॅट वी कॉल द मोरुलेशन. क्लिवेजच्या नंतरची जी स्टेप असते ती मोरुलेशनची स्टेप असते. त्याच्यानंतर ब्लास्टुलेशन असतं. ब्लास्टुलेशन के बाद में आता है देखो गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन के आगे जो स्टेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल एज अ फीटस. इसको फीटस बोलते बेटा, त्याला फिटस आपण कन्सिडर करत असतो. आणि फिटसच्या नंतर मग इन्फंट वगैरे बॉडीच्या बाहेर आल्यानंतर ते पुढच्या झाल्या स्टेप. आता इथपर्यंत जी असते त्याला आपण काय कन्सिडर करणार, इथपर्यंतच्या डेव्हलपमेंटला आपण एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट असं कन्सिडर करणार, उसको एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट बोलते. दॅट वी कॉल द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. फिर इसके आगे की कौन सी स्टेप होगी बता सकता है मुझे कोई? इसके आगे की स्टेप कौन सी होगी, कौन बताएगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? यस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन. इसके बाद की जो स्टेप होती है वो होती है पार्चुरेशन. पार्चुरेशन, पार्चुरेशन में क्या होता है? व्हाट हैपनिंग इज द पार्चुरेशन? यस, डिलीवरी ऑफ द बेबी आउटसाइड द मदर बॉडी. करेक्ट, व्हेरी गुड. डिलिव्हरी ऑफ द बेबी आउटसाइड द मदर बॉडी, करेक्ट आहे. किंवा एक्सपल्शन म्हणू शकतो आपण, एक्सपल्शन ऑफ बेबी और डिलिव्हरी ऑफ द बेबी आउटसाइड द बॉडी. एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउटसाइड मदर्स बॉडी, मदर्स बॉडीच्या बाहेर त्या ठिकाणी त्याची डिलिव्हरी होणे, ट्रान्सफर होणे, एक्सपल्शन होणे, या प्रोसेसला आपण पार्चुरेशन असं कन्सिडर करत असतो. उसके आगे स्टेप कोण सी होती बेटा, इसके बाद में इसके आगे की स्टेप कोण सी होती, कोण बताएगा मुझे? पार्चुरेशनच्या पुढची स्टेप कोणती असते? गॅमेटोजेनेसिस. अगेन गॅमेटोजेनेसिस? नाही, हा गॅमेटोजेनेसिस तो स्टार्टिंग में होगा ना, तो ये पूरे प्रोसीजर होना होने के बाद में दोबारा हम इसके ऊपर जाएंगे, मगर ये स्टेप वाइज मैनर में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा. तो स्टेप वाइज मैनर में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसके आगे की स्टेप कौन सी होनी चाहिए? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? लैक्टेशन. लैक्टेशन किंवा आपण याला बेबी केअर म्हणतो, म्हणजे जे नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणे. कशाला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणे? डेव्हलपिंग बेबी असते, ज्यावेळेस त्याची डेव्हलपमेंट म्हणजे बर्थ होत असते, तर बर्थ झाल्यानंतर बेबीची त्याला जे काही न्यूट्रिशन लागतं ते न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्याचं काम या टाइम पिरियड मध्ये केला जात असतो. हा टाइम पिरियड जो असतो तो सिक्स मंथचा असतो, सिक्स मंथचा वो सिक्स मंथ का ड्युरेशन होता है. इसके अंदर मैमरी ग्लैंड से मिल्क रिजेक्ट किया जाता है, किया जाता है, इसको लेंगे दिस स्टेप इज कॉल्ड लैक्टेशन. ना जसं गेस्टेशन म्हटलं होतं इथं, तशी ही जे टाइम पीरियड असतो या टाइम पीरियडला आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट वी कॉल्ड एज अ गेस्टेशन बोलेंगे बेटा. त्याला गेस्टेशन म्हणणार, कारण की याच्यामध्ये बेबी केअर केली जात असते, म्हणून बेबी केअर सुद्धा आपण वर्ड वापरू शकतो. मात्र लॅक्टेशन का? कारण की या केसमध्ये मदरच्या बॉडीमधून मिल्क इजेक्ट होत असतं, आणि हे मिल्क जे असतं दॅट मिल्क इज ट्रान्सफर आउटसाइड द बॉडी फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वन. यंग वनच्या नरिशमेंट साठी हे मिल्क वापरलं जातं. याच्यामध्ये मिल्क मध्ये कंटेंट असतं बघा, हेल्थ अँड डिसीज मध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं, ते कोलेस्ट्रॉल नावाचं अँटीबॉडी असते जे बेबीसाठी अतिशय बेनिफिशियल असतं बघा. म्हणून आपण म्हणतो की हा राईट 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 करेक्ट. तर ते जे अँटीबॉडी आहे, तर ती अँटीबॉडी एक पॅसिव्ह इम्युनिटीचा प्रकार असतो, तो
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, सो डायरेक्टली ट्रांसफर की जा सकती है मदर बॉडी टू फिटस बॉडी के अंदर, उसको डायरेक्टली कैरी किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इसी की वजह से बोला जाता है, देखो कि कभी भी बोला जाता है कि मदर का जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए एक बेनिफिशियल है। क्यों बताया जाता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, कुछ नरिशमेंट होता है, वो अच्छी तरह से मिल जाता है इस ड्यूरेशन के अंदर उस बेबी को। इसकी वजह से फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द बेबी, बेबी के लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो नाउ वी डिस्कस अ नेक्स्ट वन पॉइंट, दैट इज अ मेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम। आता आपल्याला मेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम डिटेल मध्ये डिस्कस करायची बेटा, कशी असते मेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम ते, त्याचं डिटेल मध्ये डिस्क्रिप्शन आपण इथे करणार आहोत। तर मला सांगा पहिल्यांदा मेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम जी असणार, हा काय काय डाऊट आहे का बेटा सांग। सर तुम्ही जे म्हणला की 6 मंथ ते म्हणजे टाइम पीरियड डिसाइड ठरलेलाच असतो का तो कोणत्याकडे? हॅलो, ते तुम्ही जे आता सांगितलं लॅक्टेशन टाइम पीरियड, यस यस, लॅक्टेशन टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है, मगर कभी कभी क्या हो जाता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी आ सकता है उसके अंदर। आपका एकदम करेक्ट है, मैंने जो बताया वो सिर्फ 6 मंथ का ड्यूरेशन फिक्स होता है, मगर कुछ फीमेल में हार्मोनल इम्बेलेंस वगैरह हो गया है तो ये लैक्टेशन टाइम पीरियड होता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, याच्यामध्ये चेंजेस येऊ शकतात। जर समजा एखादी पर्टिक्युलर हार्मोन जेवढी तयार व्हायला पाहिजे तेवढी तयार झाली नाही किंवा जास्त मध्ये तयार झाली, तर त्या ठिकाणी लॅक्टेशन पिरियडचं ड्युरेशन सुद्धा थोडंफार कमी जास्त होऊ शकतं। मात्र एक नॉर्मल केस जर कन्सिडर केली आपण, एक नॉर्मल प्रेग्नन्सी किंवा त्याच्यानंतर स्टेप जर कन्सिडर केली, त्याच्या त्या स्टेपमध्ये मात्र हा ड्युरेशन हा 6 मंथचा असतो, फिक्स असतो। मात्र थोडेफार चेंजेस सुद्धा आपल्याला बघायला भेटतात, का बघायला भेटतात? ड्यू टू द हार्मोनल इम्बॅलन्स, एकतर वाढणे किंवा कमी होणे, दोनच गोष्टी असू शकतात। करेक्ट, 6 महिने म्हणजे 6 महिने असू शकत नाही, एखाद्या थोडंफार कमी जास्त होऊ शकतं, फिक्स मंथ आहे ना। मत एक इन एन एवरेज नॉर्मल, हाँ ओके, नॉर्मल पर्सन के, नॉर्मल फीमेल के अंदर ये 6 मंथ का होता है। तो देखिए अभी मेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम जो है उसके ऊपर हमको डिस्कस करना है। तो देखिए इसके अंदर कौन से पार्ट आते हैं। तो फर्स्ट वन तो हम क्या करेंगे, मेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। क्या दो पार्ट में डिवाइड करेंगे? पहला जो पार्ट होगा दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया। हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया से, इंटरनल जेनाइटेलिया एंड दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट फॉर यू। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का है आणि इंटरनल जेनाइटेलिया का? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया म्हणजे काय? दोज पार्ट दे आर प्रेझेंट आउटसाइड दी बॉडी, ओके, दॅट वी कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अँड दोज पार्ट दे आर प्रेझेंट इनसाइड दी बॉडी, दॅट पार्ट्स आर कॉल्ड एज अ इंटरनल जेनाइटेलिया। बघा, बॉडीच्या बाहेरच्या साईडला असणारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मध्ये येत असतात आणि बॉडीच्या मध्ये असणारे इंटरनल जेनाइटेलिया मध्ये असतात। अशा प्रकारे आपण मेल रिप्रोड्यूटिव्ह सिस्टीम असो किंवा फिमेल रिप्रोड्यूटिव्ह सिस्टीम असतो, त्याचं दोन पार्ट मध्ये डिवायडेशन करत असतो। तो अभी बताओ मुझे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटेलिया कौन से? मुझे दूसरा क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, गोनेड्स किसे बोलते बेटा? बोल मैं गोनेड्स, गोनेड्स हा वर्ड अपन कैसे साथ वापरत असतो प्रॉपरली? वी यूज वर्ड दैट इज गोनेड्स फॉर विच पर्पस? किसके लिए गोनेड्स नाम का वर्ड यूज किया गया होगा? तो क्यों करते हैं गोनेड्स? क्या क्या? हा राईट, गोनॅड्स मीन्स अ प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इन केस ऑफ द मेल कॅन्डिडेट एज वेल एज द फिमेल कॅन्डिडेट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मेल एज वेल एज मेल। मेल मधल्याला सुद्धा गोनॅड कन्सिडर करू शकतो आपण, फिमेल मधल्याला सुद्धा गोनॅड कन्सिडर करत असतो। मेल गोनॅड कोणता आहे बरं आणि फिमेल गोनॅड कोणता आहे सांगा? यस व्हेरी गुड, टेस्टिस अँड दी ओहरी, व्हेरी गुड, टेस्टिस अँड दी ओहरी। मेल कॅन्डिडेट के अंदर जो गोनॅड है वो है टेस्टिस, और फिमेल कॅन्डिडेट के अंदर जो गोनॅड है वो क्या है? दॅट इज अ ओहरी।
ये जो होते हैं इन ऑर्गन्स को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने की वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ गोनेड्स, उसको गोनेड कंसिडर करते हैं. त्याच्यामुळे आपण काय कन्सिडर करतो, गोनेड्स कन्सिडर करतो. आता बघा आपल्याला इंटरनल जेनिटेलिया जो आहे त्याच्याबद्दल फोकस करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर मग आपण एक्सटर्नल जेनिटेलिया कडे जाऊ. तो इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए इसके अंदर आने वाले पार्ट्स. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पहला जो स्ट्रक्चर है पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस. ये ह्यूमन बींग्स में पेयर फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है. उसके बाद में दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसके बाद में वो क्या, कौन से होते हैं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स. आणि त्याच्यानंतर एसेसरी ग्लॅन्ड्स. एसेसरी ग्लॅन्ड्स. तर लक्ष द्या इकडे, तो ये तीन स्ट्रक्चर इसको डिवाइड किया गया है. Pair of testis. This is a very important organ in case of the male reproductive system. Another structure that is accessory ducts. Which accessory ducts are present in case of the male reproductive system? Anybody from you? कौन से accessory duct आते हैं देखो male reproductive system में, बताओ मुझे starting से. कौन से आते हैं? कोई बता सकता है मुझे? No problem, ध्यान दीजिए. तो starting अगर हमने कर दिए तो rete testis नाम का portion आता है. Rete testis. उसके बाद में आता है देखो वासा इफरेंशिया, वास इफरेंशिया म्हणतातला, वास इफरेंशिया. उसके बाद में आता है देखो इपिडर्मिस, इपिडर्मिस. और इपिडर्मिस के बाद में आता है देखो वास इफरेंशिया. वास डिफरेंशियाच्या नंतर इथे एक छोटासा स्ट्रक्चर भी फॉर्म होत असतो बघा, सेमिनल डक्ट. आणि सगळ्यात लास्टचा जो असतो दॅट इज अ इजॅक्युलेटरी डक्ट, इजॅक्युलेटरी डक्ट. देखो कौन से एसरी, एसरी डक्ट कशामुळे म्हणायचं, याला डक्ट किसी बोल क्यों बोलेंगे हम, बता सकते कोई बेटा म्हणजे एसरी डक्ट काम म्हणणार आपण याला. बघा काय काय सांगितलं मी एसरी डक्स मध्ये, रेटे टेस्टिस प्रकार पहिला, त्याच्यानंतर वासा डिफरेन्शिया, इपिडायडेमिस, वासा डिफरेन्शिया, सॉरी वासा डिफरेन्शिया नाही, इपिडायडेमिस के बाद में वासा डिफरेन्शिया आएगा, यहां पे गलती हो गया, डी आई डबल एफ. हाँ वासा डिफरेन्शिया और वास डिफरन्स म्हणतात काही जण त्याला, डायरेक्टली वास डिफरन्स सुद्धा म्हणू शकतो आपण किंवा वासा डिफरेन्शिया सुद्धा म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर आता बघा सेमिनल डक्ट, सेमिनल गेबेट की बात में आता इजॅक्युलेटरी डक्ट. क्यों बोलेंगे बेटा डक्टिस को हम, डक्ट करणार, कोणत्या स्ट्रक्चरला डक्ट म्हणतात, ह्युमन एनाटॉमी ज्यावेळेस आपण बघतो ह्युमन एनाटॉमी मध्ये डक्ट कोणाला म्हणत असतात, किसको बोला जाता है डक्ट. शुभांगी, रुद्राज, भक्ती, डक्ट मीन्स व्हॉट, व्हाट माय डक्ट, ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग बताओ मुझे पहले, इसके बाद में हम इसके ऊपर फोकस करेंगे. कारण हे जर मीनिंग तुम्हाला माहित नसेल तर थोडस, हा क्या होते, डक्स मीन्स व्हॉट, इन्क्लोज असते पाईप वाणी, दिस इज डक्ट मीन्स अ ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर कॅरी एनी मटेरियल, लिक्विड मटेरियल स्पेशल, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. ओके, जो किसी मटेरियल को कैरी करता है, स्पेशली लिक्विड मटेरियल को कैरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल एज अ डक्ट, उसको डक्ट बोलेंगे. अभी देखिए पेयर ऑफ टेस्टिस तो आपने देख लिया, एसरी डक्ट में कौन से आते हैं, रिटे टेस्टिस जो होता है वो टेस्टिस के साथ में लिंक होता है, अटैच होता है डायरेक्टली उसके साथ में, फिर छोटा सा रहता है स्ट्रक्चर, नॉमिनल स्ट्रक्चर, और बहुत सारे रिटे टेस्टिस होते हैं वहां पे. तो ये क्या करते हैं, मेल गैमेट जब फॉर्म हो गए टेस्टिस में से स्पर्म्स, तो उनको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद वास डिफरेंस नाम का जो, सॉरी वास इफरेंस नाम का पोर्शन जो है, वासा इफरेंशिया बोलते हैं हम इसको, उसके पास भेज देगा. छोटे छोटे ये भी ट्यूब्स होते हैं जो
एपिडर्मिस नाम के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, उसके पास में भेजेंगे, तो उसके पास में भेजने के बाद ये जो मटेरियल होता है दैट मटेरियल इज कैरी टूवर्ड्स एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आ गया, वहां पे उसका डेवलपमेंट होगा, उसका मैच्यूरेशन होगा, उस स्पर्म का वगैरह जो भी मैच्यूरेशन लगता है उस स्टेप में वो मैच्यूरेशन किया जाएगा, और फिर ये जो स्पर्म होता है वो कैरी किया जाता है किसकी तरफ, वासा डिफरेंशिया की तरफ। वासा डिफरेंशिया कडे कैरी केला जातो, आणि वासा डिफरेंशिया मधून हे जे स्पर्म्स असतात दीज आर कैरी टुवर्ड्स सेमिनल डक्ट के साथ में मिक्स हो जाते हैं, सेमिनल डक्ट के साथ में वो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद सबसे लास्ट में वो उसको सीमेन कंसिडर किया जाता है, और ये सीमेन जो है इजैकुलेट डक्ट के द्वारा बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के टाइम पे, कोइटस के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे ये जो है वो बॉडी के बाहर मेल कैंडिडेट से रिलीज किया जाएगा। और देखिए मेल कैंडिडेट में इसके लिए यूरिनरी प्रोडक्ट जो होते हैं मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको रिलीज करने के लिए, यूरिन रिलीज करने के लिए, और जो मेल गैमेट होता है या सीमेन होता है उसको रिलीज करने के लिए एक ही कैनाल प्रेजेंट है, त्यालाच आपण युरेथ्रा सुद्धा म्हणतो, आणि तिथून आपण त्याला इजेक्युलेट डक्ट सुद्धा म्हणत असतो। ओके, त्या ठिकाणी तो युरिनला सुद्धा ट्रान्सफर होतो, बोल ना बेटा भक्ती। सर ते वासा डिफरेंशिया आणि वासा डिफरेंशिया मध्ये काय डिफरन्स आहे? ओके, वासा इफरेंशिया मध्ये काय माहित आहे का, की हा जो पोर्शन असतो तो डायरेक्टली टेस्टिसला कनेक्ट असतो। आता समजा इथं आपण एक छोटस रफ स्ट्रक्चर काढतो, आता तेवढा आपल्याला जास्त वेळ घ्यायचा नाही त्यामध्ये, तर एक छोटं तुम्ही बघितलं तुम्हाला स्ट्रक्चर वाटलं तुमच्या समोर डायग्राम ठेवा की, तर हे अशा प्रकारचं इपिडायडमिस असते, हे असं असतं, याच्यामध्ये टेस्टिस असतात, आणि आता समजा या ठिकाणी असणार रिटी टेस्टिस नावाचा पोर्शन, यहाँ पे रिटी टेस्टिस नाम का पोर्शन होता है, ऐसे रिटी छोटे छोटे रिटी टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद में इसको ही कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है देखो दैट इज वासा इफरेंशिया। ये वासा इफरेंशिया होता है, वासा इफरेंशिया। ये वासा इफरेंशिया क्या करेगा, इसमें से क्या करेगा, लिक्विड को कलेक्ट करेगा, लिक्विड को कलेक्ट करने के बाद एपिडर्मिस के अंदर भेज देगा। जे स्पर्म असतात त्या स्पर्मला कलेक्ट करणार टेस्टिस मधून, आणि टेस्टिस मधून कलेक्ट केलेल्या स्पर्मला कुठे पाठवणार, दॅट इज ट्रान्सफर टुवर्ड्स अ एपिडर्मिस। अब अभी देखो दुसरा डिफरन्स, दुसरा क्या होता है, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है देखो वासा इफरेंशिया, सॉरी वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया म्हणजे अशी एक लांब ट्यूब असते जी या एपिडर्मिस पासून काय करते, स्पर्मला कलेक्ट करते, आणि स्पर्मला कलेक्ट करून वर घेऊन जात असते। डायग्राम बघून घ्या तुमचे, त्या ठिकाणी वर घेऊन जात असते, ते जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरला आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ वासा डिफरेंशिया। 20 सेंटीमीटरच्या जवळपास ती ट्यूब असते लांब, वासा डिफरेंशिया। डिफरेंशिया ती मोठं दिसत आहे ना आपल्या याच्यामध्ये, डायग्राम बघून घ्या तुमच्या बुक मधली, ती जे लांब अशा दोन साईडला दोन ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतात त्या स्ट्रक्चर्सला आपण काय कन्सिडर करत असतो, दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ वासा डिफरेंशिया। और इस टेस्टिस के साथ में जो कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ वासा इफरेंशिया, इसको वासा इफरेंशिया बोलते हैं बेटा। ये समझो एपिडर्मिस, ये टेस्टिस, यहाँ पे वासा इफरेंशिया है, इससे चला गया ये ऊपर, फिर यहाँ पे से निकलेगा जो ऐसी ट्यूब, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बनता। लक्षात आलं वासी डिफरेंशिया आणि इफरेंशिया मध्ये फरक, समझ में आया क्या, बताओ मुझे? हो सर, ओके। तो ये हो गया वास डिफरेंस और वास डिफरेंस का दोनों में डिफरेंस क्या है वो। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर जो होता है सेमिनल डक्ट। सेमिनल डक्ट मुझे क्या है कि सेमिनल वेसिकल नावाचं असं एक स्ट्रक्चर असतं बघा, सेमिनल वेसिकल नावाचं एक स्ट्रक्चर असतं जे त्या ठिकाणी त्या प्रोस्टेट ग्लँडच्या जवळ प्रेझेंट असतं। प्रोस्टेट ग्लँड वरच्या साईडला, वासा डिफरेंशियाच्या वरच्या साईडला एक सेमिनल वेसिकल नॉन स्ट्रक्चर असतं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर ट्रांसफर द सेमिनल फ्लूड, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, सेमिनल फ्लूड को ट्रांसफर करेगा, और उससे लिंक्ड जो डक्ट होता है ये लिंक्ड डक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज अ सेमिनल डक्ट, उसको सेमिनल डक्ट बोला जाता है। क्या करेगा वो, सीमेन को कैरी करेगा, सेमिनल डक्ट मतलब, यस
सेमिनल डक्ट नहीं आएगा, सेमिनल ग्लैंड आएगी बेटा, सेमिनल वेसिकल आएगा, सेमिनल वेसिकल ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर आएगा एसेसरी ग्लैंड में, और उसके उसको कैरी करने वाली जो ट्यूब होती है छोटी सी, उसको कैरी करने वाली जब यहाँ पे सीमेन का फॉर्मेशन होगा, तो जो फ्लूड होगा सेमिनल फ्लूड, उसको कैरी करने के लिए जो यहाँ पे ट्यूब होती है, जो डक्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज अ सेमिनल डक्ट। समझ में आया डिफरेंस आपको? यस सर। याला सेमिनल वेसिकल म्हणतात स्ट्रक्चर, असल्याला सेमिनल वेसिकल म्हणतात, आणि त्याला कनेक्टेड असणारा जो डक्ट असतो, त्या कनेक्ट असणाऱ्या डक्टला आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट वी कॉल सेमिनल डक्ट, उसको सेमिनल डक्ट बोलते। क्लियर? ओके सर, यस। नहीं नहीं डाउट है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अगर तुमको समझ भी नहीं आया तो बताओ मुझे। ये समझ में आया क्या डिफरेंस? बहुत ही सिंपल सा वेसिकल ही एसरी ग्लैंड कशामध्ये असते, एसरी ग्लैंड मध्ये, आणि सेमिनल वेसिकल ला जो कनेक्ट असणारी ट्यूब असते, ती सेमिनल वेसिकल ला कनेक्टेड असणारी ट्यूब कशामध्ये येत असते, दॅट इज इन्क्लूड इन केस ऑफ द एसरी डक्ट, जी काय करते त्या सिमेंट जे तयार, सेमिनल वेसिकल मधलं फ्लूड जे तयार होतं, सेमिनल फ्लूड म्हणतात त्याला, ते फ्लूड ज्यावेळेस त्या इजॅक्युलेट डक्ट मध्ये पास करते, त्यावेळेस ती तयार होत असते, म्हणजे ती पास करत असते, ट्रान्सफर करत असते, अशा प्रकारची ऍबिलिटी त्यामध्ये आहे, इसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में। अभी क्लियर हो गया क्या? नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन पॉइंट, दैट इज अ इजैकुलेट डक्ट। इजैकुलेट डक्ट किसे बोलेंगे अभी? व्हाट इज इजैकुलेट डक्ट? इजैकुलेटेड डक्ट मींस व्हाट? अ ट्यूब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी एग्जैक्ट सीमेन आउटसाइड द बॉडी एट द टाइम ऑफ क्वाइटस और एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। जब समझो इंटरकोर्स होगा या क्वाइटस रिलीज होगा या इजैकुलेशन होगा। इजैकुलेशन म्हणजे काय? इजैकुलेशन मीन्स जो सीमेन होगा वो मेल बॉडी के बाहर आएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। क्वाइटस और इंटरकोर्स तुम्हाला माहित आहे, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल का इंटरेक्शन जो होता है, ब्रीडिंग जो होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ इंटरकोर्स और द क्वाइटस रिलीज। तो ये जो स्टेप्स होती है ये कब होगी? जब इजैकुलेट डक्ट के द्वारा जो इजैकुलेट फ्लूड है सीमेन है, उसको बॉडी के बाहर रिलीज किया जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैकुलेशन। अभी देखो एसरी ग्लैंड्स, एसरी ग्लैंड्स कौन से आएंगे इसके अंदर, कौन बताएगा मुझे? विच एसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हियर? कौन-कौन से एसरी ग्लैंड्स हैं? वेसिकल, यस वेरी गुड, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद में आता है बेटा दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, करेक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। आणि त्याच्यानंतर तिसरी जी असते दॅट इज अ कॉर्पस ग्लैंड, त्यालाच आपण दुसरं एक नाव देत असतो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी तीनों का भी फंक्शन बताता हूं क्या क्या करते हैं। पहला फंक्शन सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल वेसिकल जो है वो दोनों साइड को प्रेजेंट होते हैं, युटरसच्या दोन्ही साईडला, इनगेल कॅनाल जिथं असतो त्याच्या दोन्ही साईडला अशा प्रकारचे सेमिनल वेसिकल प्रेझेंट असतात। आणि हे जे सेमिनल वेसिकल असतात, ते सेमिनल वेसिकल जसं तुम्हाला गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये सुद्धा एक वेसिकल असते बघा, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मे एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम भी वेसिकल होता है, मालूम है कि नहीं वेसिकल? यू हॅव आयडिया रिगार्डिंग द वेसिकल्स? वेसिकल म्हणजे ज्याच्यामध्ये काही स्टोअर आहे असं म्हटलं, एक बल्जिंग स्ट्रक्चर, त्याला आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट कॉल्ड वेसिकल, भरलेलं काहीतरी लिक्विड भरलेला पार्ट, त्याला आपण काय कन्सिडर करतो वेसिकल। तसं हा सेमिनल वेसिकल आहे, म्हणजे ही ग्लँड आहे, तर ही ग्लँड काय करते माहिती आहे की याच्यामध्ये असणारं जे कंटेंट आहे ते कंटेंट कोणता असतं बरं, इसके अंदर का कंटेंट कोणता होता है जो तयार होता है इसके अंदर सेमिनल वेसिकल के द्वारा तयार होता है, उस कंटेंट को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, त्यावर त्याचं नाव भी डिपेंड आहे, कोणतं काय नाव असतं याचं, याच्यापासून जे लिक्विड सिमेंट सोबत मिक्स केलं जात असतं त्याला त्याचं नाव काय, उसके अंदर का जे लिक्विड सिमेंट के साथ मिक्स किया जाता है उसका नाम क्या होता है बेटा, टेल मी नेम ऑफ दैट सेमिनल प्लाज्मा, करेक्ट, उसको सेमिनल प्लाज्मा या
फिर उसको हम सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं. This one is called as seminal plasma, or it is also called as seminal fluid. Correct है. Seminal plasma मतलब क्या चला? Seminal fluid ऐसे consider करता स्तर. तो ये उसके द्वारा release किया जाता है. और आता बग आपने लगा क्या बोलते हैं कि generally semen और sperm का difference हम जब करते हैं, तो इन दोनों का difference करते time क्या difference होता बेटा? एक अवस्थ का सवाल तो student ला doubt आता है. बरेच जण काय कन्सिडर करतात की सिमेनला आणि स्पर्मला सारखं सारखं कन्सिडर करतात, बट सिमेन इज डिफरंट अँड स्पर्म इज डिफरंट. स्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सिमेन अँड सिमेन इज द सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होता है. करेक्ट करेक्ट व्हेरी गुड. सिमेन मीन्स देखो सिमेन के अंदर सिमेन के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है. सिमेन के अंदर सिमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा प्रोस्टेटिक फ्लूड एक्सेट्रा. ओके, इन सभी का कॉम्बिनेशन जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? दिस ऑल आर कॉल्ड सिमेन. स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूड या तिघांचं ज्यावेळेस कॉम्बिनेशन होत असतं त्या कॉम्बिनेशनला आपण काय कन्सिडर करत असतो? उसको सिमेन कन्सिडर किया जाता है. तो इसने अगर उसका सेमिनल प्लाज्मा दे दिया, फिर उसके बाद की जो ग्लैंड होती है वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड. त्याच्यानंतरची जी ग्लैंड असतील आपण काय कन्सिडर करतो? प्रोस्टेटिक ग्लैंड कन्सिडर करतो, प्रोस्टेट ग्लैंड म्हणतो. आता ही जे प्रोस्टेट ग्लैंड आहे, ऍक्च्युली दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी युरेथ्रा के बाजू में होती है. देखो युरेथ्राच्या बाजूला असतं बघा. आता समजा हा युरेथ्रा आहे, या युरिनल ब्लॅडरच्या खालच्या साईडला, इकडच्या साईडला एक आणि इकडच्या साईडला दोन असे लोब असतात. त्याचे प्रोस्टेट ग्लँडचे लोब असतात, हा लोब उसके दो साइड को दो लोब्स होते हैं, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है. तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या करती है मालूम है क्या? कि इसके अंदर से एक लिक्विड तैयार करती है, सिक्रीट करती है, उसका नाम होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड. दैट लिक्विड इज कॉल्ड द प्रोस्टेटिक फ्लूइड. वो रिलीज किया जाएगा और रिलीज करने के बाद वो जो प्रोस्टेटिक फ्लूड होता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूड इस सिमेन के साथ में कंबाइन किया जाता है. काही काळ असं कसं होतं की माथाऱ्या माणसामध्ये हा याच्यामध्ये काही कॉम्प्लिकेशन येत असतं, त्याला स्वेलिंग होऊ शकते. जो ओल्ड एज पर्सन मध्ये वगैरे काही प्रत्येक पर्सनला नाही, काही काही पर्टिक्युलर पर्सन मध्ये अशा प्रकारचे कॉम्प्लिकेशन येत असतात, त्याची स्वेलिंग होत असते. त्या ठिकाणी प्रोस्टेटिक ग्लँडचा कॅन्सर सुद्धा होत असतो बऱ्याच जणांना. तर ते त्या ठिकाणी बेनिग्नाइन कॅन्सर आणि मॅलिग्नाइन कॅन्सरचे दोन प्रकार असतात. काही वस्तू डिफेक्टिव्ह असतो, प्रॉब्लेमॅटिक असतो, काही केसेसमध्ये तो नॉन प्रॉब्लेमॅटिक असतो. जर नुसतं ऑपरेट करून जरी काढलं त्याला तरी तो निघून जाऊ शकतो काही केसेसमध्ये, आणि काही केसेसमध्ये त्या ठिकाणी तो बाकीच्या बॉडी पार्टवर अफेक्ट करू शकतो, अशा प्रकारचे सुद्धा असतात. तो ये जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लँड होती है, जो युरेथ्रा के दो साइड में प्रेझेंट होती, दोन्ही बाजूला प्रेझेंट असतो. इकडच्या साईडला सुद्धा युरेथ्राच्या आणि इकडच्या साईडला सुद्धा, दोन्ही साईडला ही प्रोस्टेटिक ग्लँड प्रेझेंट असते बेटा. ओके, आणि त्याच्याद्वारे फ्लूड कोणतं सिक्रेट केलं जात असतं? उसके अंदर से प्रोस्टेटिक फ्लूड तयार किया जाता है, जो इसके साथ में कंबाइन होके उसे सिमेन बनता है. तिघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे सिमेन असतो. त्याच्यानंतर असते बल्बो युरेथ्रल ग्लँड किंवा कॉपर्स ग्लँड. इसका फंक्शन क्या होता है? देखिए बल्बो युरेथ्रल ग्लँड और द कॉपर्स ग्लँड. तो बल्बो युरेथ्रल ग्लँड और कॉपर्स ग्लँड जो होती है, दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ कॉपर्स फ्लूड. कॉपर्स फ्लूड हे एक स्पेशल टाइपचं लिक्विड, फक्त एक कॉपर लिक्विड तयार केलं असतं. इसका काम क्या होता है मालूम है क्या? ये इजॅक्युलेशन से पहिले का लिक्विड रिलीज करेगा. तुम्ही म्हणता हा सिमेनचा पार्ट आहे का? नाही, सिमेनचे कंटेंट एवढे आहेत फक्त. हा काय करतो माहित आहे? ही ग्लँड जी असते, ही ग्लँड इजॅक्युलेशनच्या अगोदर लिक्विड रिलीज करत असते. आणि हे लिक्विडचं काम काय असतं? या लिक्विडचं, दॅट लिक्विड इज इसेन्शियल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ दॅट एरिया, स्पेशली इजेक्युलेशन के टाइम पे पेनिस को लुब्रिकेट करने के लिए, या फिर जो फोरस्किन होती है पेनिस के ऊपर की उसको लुब्रिकेट करने के लिए वो इसेंशियल होता है. और जब समझो इंटरकोर्स के टाइम पे या कोइटस रिलीज के टाइम पे वेल जेलेटिन ट्रैक जो होता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, दोनों चीजों के लिए इसेंशियल होता है. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द कॉपर फ्लूइड. ये कॉपर फ्लूइड पहले रिलीज होगा. किससे पहले रिलीज होगा? सेमिनल वेसिकल से, सॉरी सेमिनल फ्लूइड से. आपण सिमेंटच्या अगोदर हे रिलीज होत असतं. पहिल्यांदा हे रिलीज होईल आणि हे रिलीज झाल्यानंतर मग सिमेंट रिलीज होत असतो. अशा प्रकारची प्रोसिजर असते. दिस इज अ प्रोसेस. तो दीज आर द ऍसरी, सॉरी इंटरनल जेनिटेलिया.
हे इंटरनल जिलाटिली असतात बघा मेल कॅन्डिडेट मध्ये. लक्षात आलं का इंटरनल जिलाटिली तुम्हाला? आता त्याचं टोटल आपल्याला टेस्टीचं डिस्क्रिप्शन करायचं राहील. मी तुम्हाला अगोदर दोन सांगितले, आता आपल्याला मेन पॉइंट कडे जायचं. मेन पॉइंट कडे, मेन पॉइंट कोणता? टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस. तो सॉरी टेस्टिस, टेस्टिस की पेयर ऑफ टेस्टिस. तो पेयर ऑफ टेस्टिस में दी स्ट्रक्चर मेन जे की रिप्रोड्यूटिव्ह सिस्टम मधला, मेल रिप्रोड्यूटिव्ह सिस्टम मधला अतिशय महत्वाचा भाग जो आपल्याला त्याचं डिस्क्रिप्शन करायचं आहे. याचे नाव सांगितलं दोन्ही पार्टचं, पुढच्या डिस्क्रिप्शन सांगितलं, ऍसरी डक्टचं सुद्धा डिस्क्रिप्शन सांगितलं, ऍसरी ग्लँडचं सुद्धा डिस्क्रिप्शन सांगितलं. आता आपल्याला जो मेन स्ट्रक्चर, जसं अगोदर सुरुवात टेस्टिस पासून करायला पाहिजे, काही हरकत नाही, आपण थोडस इंटरनल इकडे तिकडे केलं चालते. तर दुसरा जो पार्ट आहे, सॉरी मेन पार्ट आहे इसका, जो मेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट पार्ट इज अ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस. हे समजलं का बेटा इथपर्यंत झालेला पोर्शन? आपको ये पोर्शन समझ में आया क्या? हो सर, हो सर, सगळं सगळं समजलं. तर आता बघा, आपल्याला पेअर ऑफ टेस्टिस हा पॉइंट डिस्कस करायचा आहे. टेस्टिस जे आहे, दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव्ह किंवा प्रायमरी म्हणू शकतो आपण याला, प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ किंवा पार्ट ऑफ मेल रिप्रोड्यूटिव्ह सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम इज कॉल्ड एज गोनेड ऑल्सो. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इज कम्प्लीट इन दिस स्ट्रक्चर, आफ्टर दॅट मॅच्युरेशन ऑफ द स्पर्म इज ऑल्सो कम्प्लीट इन दिस स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज ऍक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लँड ऑल्सो. ये एंडोक्राइन ग्लैंड बोल के भी काम कर करता है. क्यों एंडोक्राइन ग्लैंड बोल के काम कर सकता है बता बेटा? प्राइमरी रोल तो है सर, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन म्हणून तो काम करतोच करतो, त्याच्यासोबत हा एंडोक्राइन ग्लैंड म्हणून सुद्धा काम करतो. ये जो स्ट्रक्चर होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड बोल के भी काम कर सकता है. अरे बेटा तुम्ही नंतर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये सध्याला भक्ती भक्ती चॅट बॉक्स में डिस्कस मत करो. जब भी समझो आपको कुछ पॉइंट डाउट्स है वगैरह तो आप बताते जाओ मुझे, क्योंकि आपको अगर बताना है या पूछना है किसी को तो फिर बाद में पूछिए, मैं आपको परमिशन देता. मगर कैसा होता है कि जब हमारा समझो क्लास चालू है, क्लास चालू होता समय इधर ध्यान दो, पहले पोर्शन ये कम्प्लीट करो, उसके बाद में आपका बाकी का ये करो, देखो बात जाए जो भी है वो पोर्शन मीन्स चैट बॉक्स में बताना है या पूछना है मुझे, पूछो ना, मैं आपको बता देता ना कौन से नोट्स वगैरह है, किसी के पास भी है तो भी मैं सर्कुलेट करने को कहूंगा एक्सेट्रा. चलेगा? अच्छा लगा? यस सर. ओके, तो देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड बोल के भी काम करता है. क्या रीजन होगा उसके पीछे एंडोक्राइन ग्लैंड तो बोलते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन. ये जो स्ट्रक्चर, yes very good, it release one hormone, that hormone is a testosterone. ए testosterone नावाचं एक hormone release करत असते, त्यामुळे या part ला आपण काय consider करत असतो, endocrine gland सुद्धा consider करत असतो. This testis is a pinkish structure, pinkish organ which is present in a scrotal sac in a pelvic area. This is a pinkish structure present in scrotal sac. आता scrotal sac तुम्हाला माहित आहे, scrotal sac कशाला म्हणतात बरं? scrotal sac pouch like structure outside the corrected pouch like structure outside the pelvic area outside the body, pouch like structure outside the body. Okay, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा होता है बेटा. दिस स्ट्रक्चर इज हाईली पिगमेंटेड एरिया, हाईली पिगमेंटेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा मेलानिन. यहाँ पे एक्स्ट्रा मेलानिन होने की वजह से पिगमेंटेड एरिया होता है, ये ज्यादा पिगमेंटेड होता है, फोल्डी एरिया होता है, फोल्ड्स होते हैं, तो उसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है.
इसके अंदर टेस्टिस को रखा जाता है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाई दिस टेम्परेचर इज मेंटेन बिलो सॉरी नियर अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एवढं टेम्परेचर का बॉडी टेम्परेचर जास्त असते माणसाचं, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस असतं, मात्र इथलं टेम्परेचर जे आहे या एरियामधलं मेल कॅन्डिडेट मध्ये 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। अगर ये यस वेरी गुड, दैट इज इसेंशियल फॉर दिस स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज इसेंशियल फॉर दिस स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म दोनों जो के लिए। अगर ये टेम्परेचर इससे टेम्परेचर बढ़ गया सपोज 50 डिग्री सेल्सियस या उसके आगे हो गया, जनरली 50 नाही त्याच्यापेक्षा कमी जरी असलं याच रेंज मध्ये मेंटेन केलं जातं, एवढं टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अफेक्ट करेगी, उसके बाद में क्या अफेक्ट करेगा दूसरा, दूसरी जो चीज है वो डेवलपमेंट जो होता है स्पर्म का वो भी अफेक्ट करेगा, दोनों भी चीजें अफेक्ट करती है, बोथ थिंग्स आर अफेक्टेड। ओके, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म ये अफेक्ट करेगा। अभी हम देखेंगे इसके इंटरनली क्या होता है, इसको कवर किया जाता है, टेस्टिस को कवर किया जाता है एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर से, उस सी शेप्ड स्ट्रक्चर को इंटरनली है भैया, उस सी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, चला एपिडिडाइमिस म्हणतात, सी सारक सी चा कैपिटल सीक्वेंस आकाराचं एक स्ट्रक्चर असतं, त्या स्ट्रक्चरनं त्याला कवर केलेलं असतं, एक पार्ट त्याला कवर करून टाकत असतो, एकच फक्त पोर्शन बाजूला ठेवतो, त्या स्ट्रक्चरला एपिडिडाइमिस असं कन्सिडर केलं जात असतं। आता यानंतर स्पर्मेटोजेनेसिसची प्रोसिजर सुद्धा या महत्वाच्या स्ट्रक्चर मध्येच पाहिली। आता आपण थोडं हिस्टोलॉजीकडे जाऊ, तर किती वेळ आहे ना आपल्याकडे, थोडा की दुसरा क्लास असेल तर सांगा बरं बेटा मला टायमिंग तुमचं झाल्यानंतर, हा राईट राईट हो तुमचा क्लास आहे त्याच्यामुळे वेळ बराच झाला, सॉरी आय थिंक नाही आहे ना 3 मिनिटं आहे, 2-3 मिनिटं, तर 2-3 मिनिटं आपण एक थोडासा पॉइंट कम्प्लीट करून एंड करू था। चलो तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एपिडिडाइमिस हो गया, इसके अंदर क्या होता है हिस्टोलॉजी देते, मैं फक्त हिस्टोलॉजीचे इंट्रोडक्शन सांगतो, उद्याला आपण टेस्टिसची हिस्टोलॉजी डिस्कस करू ता, म्हणजे उद्याच्या आय थिंक उद्याला तुमचं आहे, तर ज्यावेळेस आपलं नेक्स्ट मंडेला लेक्चर असेल त्या लेक्चर मध्ये आपण त्याची हिस्टोलॉजी डिस्कस करू, टेस्टिसची हिस्टोलॉजी फक्त शॉर्ट मध्ये सांगतो। इसके ऊपर कुछ लेयर्स होते हैं टेस्टिस के ऊपर, उसको ट्यूनिका अल्बुमिनिया वगैरह लेयर कहा जाता है, उसके बाद में फिर क्या होता है उसके अंदर कुछ लेयर होते हैं, देखो उसके अंदर सेमिनल, इसका यूनिट कौन सा है बेटा बता सकता है कोई मुझे, टीएस ऑफ टेस्टिस जो आपण बघतो, तर टीएस ऑफ टेस्टिस मध्ये मध्ये काही स्ट्रक्चर प्रेजेंट असतात, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर सर जो कि मेन उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है टेस्टिस का, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है हिस्टोलॉजी के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया हे सेल्स असतात बघ, त्यामध्ये डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस होतं, त्याच्यापासून पुढच्या स्टेप कम्प्लीट होतात, बघ त्याचं एक नाव आहे बघा, याच्यामध्ये काही छोटे छोटे फॉलिकल्स असतात, त्या फॉलिकल्सला आपण काय कन्सिडर करत असतो, दॅट वी कॉल्ड ऍज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेझेंट इन केस ऑफ ईच टेस्टिस, एका टेस्टिस मध्ये एका टेस्टिस मध्ये नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेझेंट असतात, दीज आर सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर जर्मानल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सर्कुली सेल्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर डेवलपिंग स्पर्म्स मींस स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है, ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे सर्कुली सेल को स्पर्म अटैच रहते हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स आर अटैच टू द स्ट्रक्चर एंड इनसाइड स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट, स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा बहुत मैच्योरेशन यहाँ पे हो जाएगा और वो आगे रिलीज किया जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, फिर त्याच्यामुळे त्याला स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस असं कन्सिडर केलेलं आहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलला। उसके आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर जो ग्रुप होता है सेल का, आता समजा हे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे, हे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे, हे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलच्या मधल्या साईडला अशा प्रकारे एक सेलचा ग्रुप असतो, या सेलच्या ग्रुपला आपण लीडिंग सेल्स कन्सिडर करत असतो, लीडिंग सेल्स LEYDIG, यस लीडिंग सेल्स, हे जो लीडिंग सेल्स होता है
ये लेडिक सेल्स क्या करता है, दैट लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्या काम करेगा कि ये इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन, यानी दूसरा नाम क्या है लेडिक सेल ना, लेडिक सेल को दूसरा नाम होता है दैट वी कॉल द इंटरस्टिशियल सेल्स, उसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, और ये जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन तैयार करता है, कि जे सेल्स असतो सेलचा ग्रुप असतो तोच ग्रुप टेस्टोस्टेरोन नावाचा हार्मोन तयार करत असते. ओके, असं हे झालं. बोलो बेटा, झालं. आपल्याला आता आपल्याला स्टॉप व्हायचं आहे, तर उद्याच्या लेक्चर मध्ये बाकीचा पोर्शन डिस्कस करू आपण, म्हणजे पुढच्या लेक्चर मध्ये. सॉरी, काही डाऊट होता का तुझा शुभांगी? ओके ओके, डाऊट असेल तर तुम्ही आता सुद्धा विचारतो का, नंतरच्या लेक्चर मध्ये विचारू शकता बेटा मला. आजच्यासाठी आपण इथे स्टॉप होऊ.